हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल ज्ञान। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अब एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड उसको अगर री इशू करना चाहते हैं उसके लिए एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे। री इशू करने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपका एटीएम कार्ड खो गया है या वो डैमेज हो गया है या एक्सपायर हो गया है। तो आज के एप्लीकेशन में हम लोग उसका कारण चूज करेंगे कि जैसे कि SBI ने कुछ टाइम पहले एक नोटिस निकाला था कि उनके सारे मैक्सट्रिप टाइप के एटीएम कार्ड बंद हो जाएंगे और उसकी जगह EMV चिप वाले कार्ड आएंगे। अगर आपको EMV वाले चिप कार्ड के बारे में और ज़्यादा जानना है तो मेरे पुराने वीडियो देख लीजिए, मैं EMV चिप के ऊपर एक वीडियो बनाया था पहले भी। आज के एप्लीकेशन में हम लोग वही कारण यूज करेंगे। इस तरह के एप्लीकेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं कार्ड अकाउंट होल्डर का नाम और उसके बाद अकाउंट नंबर और नेक्स्ट मतलब आपका जो करेंट जो आपके पास डेबिट या ATM कार्ड है उसका नंबर। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं, टू से स्टार्ट होगा। टू टैब दी ब्रांच ब्रांच मैनेजर SBI बापूजी नगर, आपका जो भी लोकेशन का नाम होगा वही दे दीजिए, बापूजी नगर भुवनेश्वर उड़ीसा। उसके बाद सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर रीइशूइंग ऑफ डेबिट डेबिट या ATM, आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। कार्ड नेक्स्ट रेफरेंस सभी अकाउंट को शॉर्ट में SB बोलते हैं। अगर करंट अकाउंट होगा तो करंट अकाउंट लिखिए, मैं SB लिख रहा हूँ। SB अकाउंट होल्डर्स नाम विकास दास, यहाँ मैं एक एग्जाम्पल के लिए नाम लिया हूँ। अकाउंट नंबर आप नंबर दीजिए, मैं रैंडम नंबर दे रहा हूँ कुछ। कोल अकाउंट और डेबिट कार्ड नंबर, ये जो ओल्ड डेबिट कार्ड नंबर है ये आपको देना पड़ेगा। अगर वो बैंक वाले बोलते हैं कि आपको तुरंत कार्ड दे देंगे, क्योंकि कुछ ATM कार्ड बिना नाम वाले आते हैं जो बैंक के पास हमेशा रहते हैं, जिसमें नाम प्रिंट नहीं होता, उस तरह के कार्ड बैंक तुरंत दे देते हैं। अगर हम नाम प्रिंट वाले कार्ड चाहते हैं तो वो लेट से मिलता है। तो अगर वो बोलते हैं कि नहीं आपको तुरंत कार्ड मिल जाएगा तो डेबिट कार्ड नंबर दे दीजिए, अगर वो बोलते हैं कि नहीं वो एक महीने बाद मिलेगा तो ये नंबर देने की जरूरत है नहीं। उसके बाद सर आई हैव डेबिट कार्ड of your bank which is a Maxstrip debit card
एज पर योर नोटिफिकेशन कम्युनिकेटेड टू मी दैट ऑल मैस्ट्रिप कार्ड will be replaced my new EMV chip cross card before 31st December 2018। Therefore, I request you to issue a new debit card with the EMV chip. earliest possible. I will surrender my old card while receiving ये जो लास्ट लाइन है ये आपको लिखना पड़ेगा। अगर वो बोलते हैं कि कार्ड वो 1 महीने बाद देंगे, अगर वो बोलते हैं कि कार्ड अभी मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर चेंज कर दीजिए थोड़ा, आई हैव सरेंडर्ड माई ओल्ड डेबिट कार्ड, ऐसा लिख सकते हैं आप। या कुछ भी नहीं मत लिखिए, बस ये लिख दिए कि देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू इशू ए न्यू डेबिट कार्ड विद EMV चिप एज पॉसिबल, EMV चिप अर्लीस्ट पॉसिबल, बस इतना लिख दीजिए। उसके बाद थैंक यू। थैंक यू। उसके बाद आपका नाम, कास लास साइज कर दीजिए, बीच में आपको साइन करना है और यहाँ पर डेट प्लेस रहेगा। और यहाँ पर एनक्लोजर लिख सकते हैं, मतलब क्या क्या आप दे रहे हैं इस एप्लीकेशन के साथ। अगर आपको बोलते हैं तुरंत कार्ड दे देंगे, तो आपको जो पुराना कार्ड है वो तो सबमिट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप वो लिख सकते हैं। जैसे पहले मान लीजिए आपको जरूरत पड़ रहा है आधार कार्ड बोलें, आधार कार्ड दोनों, और पैन कार्ड,
डोली फिलिंग एप्लीकेशन फॉर रिप्लेसमेंट जैसे मैं पहले बता, अगर वो बोलते हैं कि तुरंत कार्ड दे देंगे तो यहाँ पर आपका लिख सकते हैं कि ओल्ड डेबिट कार्ड, ये भी लिख सकते हैं आप। ये जो मैं रेफरेंस लिखा हूँ ये वाला पार्ट, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ नहीं लिख के आप यहाँ एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ ये ख़त्म हो गया माई डिटेल्स आर बिलो ऐसा लिख के यहाँ बीच में वो ये वाला पोर्शन लिख सकते हैं, ये अच्छा दिखता है इसलिए मैं ऐसा ही लिखा हूँ। हाँ बस थोड़ा उसको साइज कर देना है। बस यही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।